हेलो फ्रेंड्स, यदि दूरबीन का ऑपरेशन होता है तो एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि मैडम ऑपरेशन के बाद हमें क्या परहेज़ रखने होंगे, हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल और गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको दूरबीन के ऑपरेशन के बाद रखे जाने वाले परहेजेज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि दूरबीन वाला ऑपरेशन किया है तो भूल जाओ हर ऑपरेशन के बाद के परहेज़ को, यानी कि कोई परहेज़ नहीं होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला पूछा जाता है कि मैडम खाएं क्या, तो हम कहते हैं कि आप सब कुछ खा सकते हैं, यानी कि दूध, दही, छाछ, घी, तेल, नमक, मिर्च, खट्टा मीठा और अचार और पराठे भी खा सकते हैं। यानी कि टेंशन नहीं है, किसी को घर में बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आएगा, कोई खाना बना के देगा तब आप खाएंगे। आप नॉर्मल घर में जो खाना बन रहा है वो ही खा सकते हैं और किसी प्रकार के परहेज की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पूछा जाता है कि क्या हम खट्टा खा सकते हैं। खट्टा ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि खट्टे के अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी एक टिश्यू हीलिंग विटामिन है, यानी कि आप घाव बहुत जल्दी भरता है। इसीलिए पुराने ज़माने में ऑपरेशन के बाद मौसमी का जूस बताया जाता था। तो यदि आपको डायबिटीज़ है या और कोई समस्या, आप जूस नहीं ले सकते या जूस पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पी सकते तो आप आंवला या मौसमी पूरी भी खा सकते हैं, नींबू खा सकते, नींबू का रस ले सकते हैं और अमरूद के अंदर भी काफ़ी अच्छा विटामिन सी होता है, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। जब भी ऑपरेशन होता है तो एंटीबायोटिक ज़रूर चलती है और एंटीबायोटिक जब भी चलती है तो आपका पेट ख़राब ज़रूर होता है, पेट के साथ ही गैस्ट्राइटिस हो जाता है और डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए साथ में एक गोली दी जाती है जिसमें कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे दही के अंदर भी होता है। इसलिए हर ऑपरेशन वाले मरीज़ को हम ये ज़रूर बताते हैं कि आप एक कटोरी दही ज़रूर खाइए। लेकिन हमारे आम पब्लिक के अंदर मिथ बहुत है कि हमें दूध, दही, छाछ नहीं लेने होते हैं, दही और छाछ खट्टे होते हैं और अगेन वो हमें नुकसान कर सकते हैं। दही खाना बहुत मस्ट है, दही नहीं खा सकते तो छाछ खा सकते हैं और छाछ के साथ आप पनीर खा सकते हैं, चीज़ खा सकते हैं और दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, और डायबिटीज़ नहीं है तो आप रसगुल्ले भी खा सकते हैं। यानी कि आप अच्छे से मन भर के खाना खा सकते हैं, परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा एक सवाल पूछा जाता है कि क्या नमक खा सकते हैं, तो डेफिनेटली नमक खाना है। यदि आपको बीपी की शिकायत नहीं है, यानी हाइपरटेंशन के मरीज़ नहीं हैं, तो फिर नमक एक असेंशियल इंग्रेडिएंट है। क्योंकि जब भी हम किसी पेशेंट को कमज़ोरी आती है, चक्कर आते हैं, तो ORS बताते हैं या हम ड्रिप लगाते हैं, तो ड्रिप के अंदर भी NaCl होता है तो वो ज़रूर दिया जाता है। इसके साथ में ORS होता है, ORS के अंदर भी NaCl होता है, यानी कि नमक होता है। क्योंकि नमक हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, कमज़ोरी को दूर करता है, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंसेस को ठीक करता है। और लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ है कि नमक खाएंगे तो हमें खुजली चलेगी, तो टाँकों में जो खुजली चलती है वो नमक के कारण नहीं चलती है, टोटली मिथ है। जब भी कोई घाव भरता है तो उसमें एक हिस्टामिन नाम का केमिकल निकलता है जिसकी वजह से ईचिंग होती है, और ये ईचिंग नमक की वजह से नहीं होती है। तो अपने खाने में नमक को बंद ना कीजिए, कम ना कीजिए। ऑपरेशन के बाद भी आपको नॉर्मल मात्रा के अंदर जितना कि आप नमक पहले खाते थे उतना नमक बाद में भी खाना है। लेकिन यदि आप बीपी के मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, तो डेफिनेटली नमक नहीं लेना है। अगला सवाल पूछा जाता है कि क्या मैडम खाने में हम दलिया और खिचड़ी खा सकते हैं, तो प्लेन और दलिया खिचड़ी नहीं खाना है आपको। वेजिटेबल उपमा, वेजिटेबल खिचड़ी, वेजिटेबल दलिया और वेजिटेबल सूप आप ले सकते हैं, लेकिन प्लेन कुछ नहीं लेना है। क्योंकि जब भी आप प्लेन दलिया या प्लेन खिचड़ी खाते हैं तो गैस बनती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको हमेशा सब्जी और मसाला ऐड करके खाना होता है। अगला सवाल एक और पूछा जाता है कि क्या मैडम हम केवल चावल खा सकते हैं या रोटी भी खा सकते हैं क्या, तो केवल चावल आप खाइए, लेकिन साथ में अगेन मैं बोलूँगी कि सब्जियां ज़रूर लीजिए। क्योंकि केवल चावल खाने से तो नुकसान हो सकता है, लेकिन साथ में यदि सब्जियां, दाल खाते हैं तो डेफिनेटली आपको एनर्जी मिलेगी, बैलेंस डाइट मिलेगी और आपको अच्छा डाइजेशन रहेगा। बहुत सारे लोग पपीता खाने के बारे में पूछते हैं कि लोगों को लगता है कि सर्जरी होने के बाद उनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी हो जाएगी, तो उन्हें पपीता खाने से कब्जी दूर हो जाएगी। लेकिन यदि पपीता बहुत सारा खा लेते हैं और खाना कम खाते, केवल दलिया खिचड़ी खा रहे हो और पपीता खाए जा रहे, तो पपीता में एक पेपेन नाम का एंजाइम होता है जो ओवर डाइजेशन की वजह से पेट में क्रैम्प्स ला सकता है, दर्द कर सकता है और आपको दस्त और उल्टियाँ हो सकती है। इसलिए हर चीज़ का सेवन लिमिटेड मात्रा में ही किया जाए, अति हर चीज़ की बुरी होती है। और यदि आपने, हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो कि उल्टियां कर करके हमारे पास पपीता खाने के बाद एडमिट हुए हैं, यानी उनको तीन तीन चार चार दिन तक हमें भर्ती रखना पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में लैंड अप ना कीजिए और लिमिटेड मात्रा में फ्रूट्स का सेवन कीजिए। क्योंकि हम जब ऑपरेशन कर देते तो लोगों को लगता है कि हमें रोटी सब्जी नहीं खानी है, दलिया खिचड़ी खाना है और खूब सारे फल खाने हैं। अब यदि आप बहुत सारे फल खाते हैं तो
आपके इंटेस्टाइन के अंदर फ्रक्टोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया बहुत सारे ग्रो कर जाते हैं और आपको गैस और फ्लैटुलेंस की दिक्कत हो जाती है। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की जगह कब्जी की जगह दस्त की शिकायत हो जाती है, नहीं डायरिया हो जाता है और उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। तो हर चीज़ लिमिट में अच्छी होती है, बैलेंस डाइट अच्छी होती है। पानी लोग नहीं पीते हैं, उनको लगता है कि पानी पीने से पेट फूल जाएगा, तो पानी 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है। यानी कि यदि मैं एक समराइज वे में आपको बताऊं कि ऑपरेशन के बाद आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, तो सीधा सीधा हिसाब है कि आप नॉर्मल डाइट सारी खा सकते हैं, जो ऑपरेशन से पहले आप खा रहे थे वो बाद में ज़रूर खानी है। आपकी डाइट को चेंज नहीं करना है, आपको दलिया खिचड़ी प्लेन नहीं खाना है, साथ में आप वेजिटेबल उपमा, वेजिटेबल खिचड़ी और मसाला डाल के खा सकते हैं, दही ज़रूर खाना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है और सब्ज़ियाँ बहुत सारी खानी है, फ्रूट्स लिमिटेड मात्रा में खाने हैं और कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं लेनी है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं अभी मेरा एक सवाल रह गया है, बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।